सोलन में आजकल चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जहां एक और शहरवासियों के वाहन चोरी हुए हैं, तो वहीं शहरवासियों के घरों के बाहर टंगे कपड़े भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोलन में बाईपास स्थित एक मकान में एक युवक बरामदे में टंगे हुए कपड़ों को चुराता हुआ कैमरे में कैद हो गया और फिर अपने पुराने जूतों को उतार कर वहां रखे दूसरे जूतों को पहनकर वहां से 9:11 हो गया। युवक की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोलन शहर लवारिस शहर है, यहाँ का कोई वाली वारिस नहीं है, ना यहाँ कोई लीडरशिप है, ना यहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा इस बात को ध्यान में रखता है। प्रशासन से कई बार हम मिले, लेकिन प्रशासन भी आंखें मूंद बैठकर एयर कंडीशन कमरों में अपना 10 बजे से 5 बजे तक बैठ के घर चला जाता है, कोई सुर ध्यान नहीं देता। बार बार हम कह रहे हैं कि सोलन शहर में लोग कहाँ से अप्रवासी आ रहे हैं, इनके ऊपर नज़र कौन रख रहा है, ना इनका कभी कोई आधार कार्ड चेक किया जाता है, ना कोई इनकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग हैं, क्यों घूम रहे हैं सोलन शहर के अंदर, यहाँ पर वारदात करके चले जाते हैं, चोरियाँ करते हैं, है ना। और दूसरे जितने असामाजिक तत्व हैं सारे इन्हीं लोगों में शामिल है। कितने भिखारी यहाँ पर भीख मंगे हैं, कितने यहाँ सामान बेचने वाले आते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी किसी के कानों तले जू नहीं रखती, कोई इनको चेक नहीं करता। कम से कम कोई ये आके तो देखे भी, कम से कम ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और सोलन ही क्यों आ रहे हैं। मुझे लगता है सोलन इनके लिए एक स्वर्ग की भूमि है कि यहाँ पर कोई पूछताछ नहीं होती। वो एक आदमी आता है, 10 आदमी को अपने साथ लेके आ जाता है, यहाँ वारदात करके चल जाओ, कोई पूछता नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब नेशनल हाईवे के अंदर मर्डर करके लोग यहाँ फेंक जाते हैं लाशों को, शूलनी मेले के अंदर कितनी चोरियाँ आपके समक्ष हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ इतने लोग हैं, भीख मांगने वाले कितने लोग हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वैसे जो फड़ियाँ लगा के सामान बेच रहे हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कई लोगों ने दुकानें कर रखी हैं बाहर से आकर, कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। प्रशासन को चाहिए, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, कम से कम जाए उनकी आइडेंटिटी तो चेक करें भी कौन लोग हैं, कहाँ से रहे। वैसे तो पहले एक फॉर्मेलिटी होती थी, लेकिन आजकल वो फॉर्मेलिटी भी नहीं होती। फॉर्मेलिटी ये होती थी कि प्रशासन एक गाइडलाइन जारी करता था कि सोलन में कोई भी अपने यहाँ किराएदार रखे तो उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फॉर्मेलिटी होती थी, लेकिन उसके ऊपर भी अमल होता, लेकिन अब ये फॉर्मेलिटी बंद हो गई है। जो लोग किराए पे यहाँ आफ्टरऑल जो यहाँ रह रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, कहीं किराए का मकान लिया होगा, कहीं किराए की दुकान ली होगी, कहाँ वो थाने में जाके पुलिस चौकी में जाके आइडेंटिफिकेशन अपनी दे रहे हैं कि हम क्यों आए, कहाँ से आए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।